हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड फ्रंट एंड के लिए मास्टर लेआउट क्रिएट किया था यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लीन ब्लॉग, और आज की इस वीडियो में हम लोग उस मास्टर लेआउट को यूज करते हुए अपने रिमेनिंग पेजेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं मूव करता हूँ सबलाइम में, और यहाँ पे मेरे पास फ्रंट एंड लेआउट मास्टर की फाइल ओपन है। ओके, सो ये जो सेक्शन है जहाँ पे मैंने सेक्शन बनाया था यील्ड कंटेंट का, इसके नीचे हमारे पास एक हेडर है जिसमें इमेज है, हेडिंग और उसका टेक्स्ट है, और इसी तरीके से मेन कंटेंट कंटेनर डिव है जिसमें हमारा सारे के सारे ब्लॉग्स वगैरह शो हो रहे होंगे। तो यहाँ से फॉर नाउ ऑन मैं इस डिव से लेकर यहाँ तक इस डाटा को मैं कॉपी करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा ये जो कंटेंट है ये रिलेट कर रहा है इस केस में। लेट मी शो यू क्लीन ब्लॉग इंडेक्स डॉट राइट। ओके, ये देखिए, ये हमारा मेन पेज होगा, और हमारे ब्लॉगिंग सिस्टम में होम पेज नहीं होगा, इसकी जगह होगा ब्लॉग का पेज, और जहाँ पे हम लोग सारे ब्लॉग शो कर रहे होंगे। और अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इंडिविजुअल ब्लॉग की डिटेल देख रहे होंगे, और ये यहाँ पे जो हम रिप्लेस करेंगे होम को ब्लॉग से, वो होगा एक ड्रॉप डाउन फील्ड जिसमें हमारे ब्लॉग्स की कैटेगरीज भी होंगी। ओके गाइस, तो बताने का मकसद ये था ताकि जो फ्लो है वो आपको समझ में आ जाए। अभी हमारे पास ये कॉन्टेंट जो यहाँ पे मौजूद है मेन, ये इस पेज का है राइट हियर, और ये इमेज, हेडिंग और स्पैन। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास ब्लॉग का पेज होगा। मैं इसको होल कॉपी कर रहा हूँ कट बल्के, दैट्स इट। और बल्के मैंने यहाँ से एचआर को भी मैंने कट करना है। ओके, लेट्स कट इट, दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। ओके, अब मैं मूव करता हूँ अपने पास फ्रंट एंड में, और लेआउट के फोल्डर के अंदर नहीं बल्कि मैं फ्रंट एंड के अंदर एक न्यू पेज बनाऊंगा, न्यू फाइल, जिसमें ये कोड लेट से पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम लोग, इस केस में होगा ब्लॉग्स ब्लॉग डॉट प्ले डॉट पी एच पी। ओके गाइज, ये बेसिकली इंडेक्स का मेन पेज होगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे इसको, इस मास्टर लेआउट को देख सकते हैं आप लोग कितना कोड कम हो गया। ओके, और यहाँ पे जो टॉप नेविगेशन है वो हमने लेआउट में रखी है, फुटर की जो भी नेविगेशन है वो हमने फुटर में रखी हुई है लेआउट के अंदर, और यहाँ पे ये पेज बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी हो गया। ओके, सो अब इस लेआउट को यूज कर लेते हैं अपने इस ब्लॉग के पेज पे। ओके, कैसे यूज करते हैं अब तो आप लोग को अंदाजा हो ही गया होगा, एट द रेट एक्सटेंड्स। ओके, एक्सटेंड्स के बाद ये हमें ड्रॉप कर देगा व्यूज में, व्यूज के बाद मुझे एक्सेस करना है फ्रंट एंड, उसके बाद मुझे जाना है लेट से ब्लॉग, सॉरी लेआउट डॉट मास्टर, क्योंकि ये इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस फाइल में जो कुछ भी मौजूद है वो मुझे इसमें भी चाहिए, दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। ओके, अब यहाँ पे मैं एक सेक्शन बनाऊंगा, सेक्शन टाइटल, फॉर टाइटल सेक्शन, और इसका नेम टाइटल। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ये चीजें ताकि आप लोग के जहन में रहे और फिर इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड सेक्शन करना बहुत जरूरी है वरना कोड ब्रेक हो जाता है। ओके गाइस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, सेकंड सेक्शन होगा हमारे पास कंटेंट, जहां पे हम ये कंटेंट अभी प्लेस करेंगे। उसके अलावा सॉरी, इसकी जगह हम रखेंगे स्टाइल्स, टाइटल के बाद हमारे पास स्टाइल्स का सेक्शन है, फिर है कंटेंट जिसमें हमारे पास ये सारा डाटा आएगा, फिर है हमारे पास सेक्शन स्क्रिप्ट से रिलेटेड, दैट्स इट। ओके, अब मैं ये सारी HTML यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ तक, दैट्स इट, कट, और ये हमारे पास आ जाएगी इस कंटेंट, दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। ओके, थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ राइट हियर। यहाँ पे जो ये हमने यील्ड का सेक्शन बनाया है, यील्ड का मतलब ही यही होता है, लेट से फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जैक्टली मीनिंग नहीं लेकिन इसका मतलब यही होता है कि एक सेक्शन क्रिएट करना। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये मीनिंग नहीं है लेकिन यील्ड का मतलब करीब करीब यही होता है कि एक सेक्शन क्रिएट करना। ओके, ताकि आप लोग के जहन में रहे। यील्ड यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे मैं टाइटल का एक सेक्शन बना रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये रहा,
उसी के बाद मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया स्टाइल से रिलेटेड, जो मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, अगर इस पेज की कोई स्पेसिफिक सीएसएस होगी तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यील्ड कंटेंट, कंटेंट का एक सेक्शन बनाया जिसमें मेरे पास ये कंटेंट है हर पेज का जो स्पेसिफिक होगा। इसी वजह से हम लोग मास्टर लेआउट बनाते हैं ताकि जो कॉमन चीज़ें हैं वो एक फाइल से लोड करें। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट का सेक्शन है जो कि मैंने यहाँ लोड किया हुआ है, अगर इस पेज की कोई स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट होगी तो वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। ओके गाइज, दैट्स इट। ओके, अब मैं मूव करता हूँ वेब डॉट पीएचपी में। यहाँ पे हम लोग एक और राउट बनाएंगे, कॉपी पेस्ट, इसका नाम होगा ब्लॉक। ओके, और इस केस में मुझे चाहिए फ्रंट एंड से ब्लॉक का पेज। ओके, लेआउट के अंदर नहीं है ये ब्लॉक। दैट्स इट, लेट्स सी। मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, एक्सेस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। लेट्स सी, हमारे पास जैम्प अप एंड रनिंग है। यस, ओके, लेट्स मूव टू गूगल, एक्सेस करते हैं प्रोजेक्ट को। उसके बाद मुझे हिट करना है ब्लॉग, जो कि हमारा मेन पेज होगा। ओके, राइट हियर, अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंक्लूडेड है और कोई इशू नहीं है। हमारा सारा का सारा डाटा जो है वो कंटेंट डिव में मौजूद है। नेविगेशन हम मास्टर लेआउट से उठा रहे हैं, फुटर हम मास्टर लेआउट से उठा रहे हैं। ओके, उम्मीद है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी यहाँ। ओके, थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। लेट्स से अभी हमने अपनी वेबसाइट का नाम सोचा नहीं है, तो यहाँ पे होगा ब्लॉग इसका टाइटल। लेट मी शो यू रिफ्रेश। ये देखिए, देखिए ब्लॉग हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम अभी फिलहाल ब्लॉग ही है। ठीक है, बाद में आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा काम यहाँ पे सिखाना है, ये नहीं है कि नाम सोचो। ठीक है, सॉरी गाइस, तो आप लोग जो चाहें आप लोग वो रख सकते हैं। ओके, सो हर पेज की स्पेसिफिक इमेज होगी, तो इसके लिए मुझे इमेज का फोल्डर चाहिए फॉर नाउ, ताकि हम लोग कुछ डाटा दिखा रहे हों। अगर हमने बाद में इन इमेजेस को इम्प्लीमेंट किया थ्रू बैक एंड क्रट को यूज़ करते हुए, तो हम लोग अपनी जो हम लोगों ने उसका फंक्शनैलिटी बनाई है उसके थ्रू कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल फॉर नाउ ऑन मैं यहाँ से इमेज का फोल्डर क्लीन ब्लॉक से कॉपी करता हूँ, ओपन न्यू विंडो और सी डायरेक्टरी को एक्सेस करूँगा, और उसमें मेरे पास जैम्प है क्योंकि मेरे पास सी के अंदर पड़ा हुआ है जैम्प, और उसमें एच डी डॉक्स ब्लॉक, और यहाँ पे मैं पब्लिक डायरेक्ट्री में जस्ट इमेज पेस्ट कर दूंगा जो भी उसमें है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसका लिंक चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो एसेट के तौर पे भी बता सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए हमारे पास ये मेन डायरेक्टरी में इमेज के फोल्डर में था, अब कहाँ पर है पब्लिक डायरेक्टरी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा डायरेक्टली फ्रंट एंड इससे पहले। दैट्स इट, और फ्रंट एंड, दैट्स इट। ओके, लेट्स रिफ्रेश एंड सी, हम लोग अपनी इमेज देख सकते हैं कि नहीं, नहीं कोई इशू है, या तो मैंने, या यस नॉट दिस वन, नोप, यस दिस इज द करेक्ट वन। लेट्स सी क्या इशू है, राउट देख लेते हैं हम लोग इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट और कंसोल और डायरेक्टरी हमारे पास, ये तो ठीक है, ठीक है। और इसका राउट, इसका राउट मुझे देखना है गाइस, मैं इसको थोड़ा डीबग कर लेता हूँ और फिर मैं वापस रिज्यूम करता हूँ। ओके, सो गाइस, इशू मुझे लग रहा है अभी तक मैं इस पर कोई पॉइंट पे नहीं पहुँचा हूँ। हाँ, लेकिन एक इशू ये है कि ये इमेजेस का फोल्डर फ्रंट एंड में नहीं है। सॉरी गाइस, यही राउट अब हमारे पास काम कर जाएगा, हमें सिर्फ इमेजेस प्लेस करनी थी, दैट्स इट। यस एग्जैक्टली, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द सिली मिस्टेक, लेकिन डिबगिंग इसी तरीके से होती है। ओके ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमारे पास ये देखिए प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कुछ मैप की फाइल रिमूव करी थी उसकी वजह से ये इशू है, तो अगर आप चाहें तो आप ये अपने पास bootstrap.min.css मैप अपने पास लोड कर सकते हैं, ये कोई एरर नहीं है, वार्निंग्स है। ओके, दैट्स इट, लेट्स क्लोज दिस, और ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट, दैट्स इट। बाद में जब हम लोग डाटा हमारे पास होगा तो हम इसको और डिटेल में देख रहे होंगे, लेकिन फॉर नाउ ऑन मैं चाहता हूँ कि ये बहुत सारी डिव्स शो हो रही हैं, मैं चाहता हूँ कि ये ना हो। यस, लेट्स रिमूव दिस, क्योंकि कोड देखें आप कितना ज़्यादा
लग रहा है, तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी गाइस। ओके एंड दिस वन राइट हियर, लेट्स से या कितनी डेज हो गई है मेरे पास, लेट मी जस्ट चेक, 1 2 दैट्स इट, दिस लुक्स नाइस। और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ एट द रेट फॉर डॉलर आई इक्वल्स टू लेट्स से 1 डॉलर आई लेस देन से 9 कर देते हैं या 10 डॉलर लेट्स से 11 कर देते हैं डॉलर आई प्लस प्लस दैट्स इट। यहाँ पे फर्स्ट डे दैट्स सेकंड और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एंड फॉर। लेट्स रिफ्रेश और देख लेते हैं हमारे पास उतना ही डाटा है कि नहीं है उससे ज़्यादा। ये देखिए रिपीटेटिव है और डाटा भी मौजूद है। ओके सो यह काम कर जाएगा। ओके सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने पास नेक्स्ट पेज पे। ठीक है मैं इस ब्लॉक के पेज को लेट्स से ठीक है हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट ब्लॉक के पेज को क्लोज कर देता हूँ। मास्टर लेआउट भी हम यूज़ कर रहे हैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। वापस मूव करते हैं रिसोर्सेस और नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हमारे पास क्या है। बूटस्ट्रैप और यहाँ पे हमारे पास एक पेज है अबाउट का, तो इस अबाउट के पेज को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है और यहाँ पे मैं फ्रंट एंड न्यू फोल्डर सॉरी न्यू फाइल और इसका नाम होगा अबाउट अबाउट डॉट प्लेट डॉट पी एच पी। नाइस एंड सिंपल, ब्लॉक से मैं सिर्फ डाटा कॉपी करूँगा ताकि मुझे ये सारे सेक्शन वापस ना बताने पड़े, दैट्स इट। और यहाँ पे कोड जो है इसको मैं रिप्लेस करूँगा किससे, एनी गैसेस, अबाउट के पेज के डाटा से। राइट ओके सो इसको ओपन कर लेते हैं सिंपल, सॉरी नॉट इन गूगल बट इन सबलाइन। यस ओके नेविगेशन, ये देखिए यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ तक एग्जैक्टली, लेट्स कट इट, नॉट कट इट, कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं ताकि कभी भी हमें इस फाइल की ज़रूरत हो तो ये हमारे पास एज इट इज़ मौजूद हो। ओके नाइस एंड शाइन। ओके इस बार इसका नाम होगा ब्लॉग अबाउट, लेट्स इट, लेट्स मेक अर आउट और इस दफ़ा हम इसका नाम बता रहे होंगे लेट्स से अबाउट, जस्ट अबाउट, लेट्स मेक इट सिंपल और ये SEO फ्रेंडली भी है। ओके गाइस नेम देखिए सिंपल अबाउट, दैट्स वन। ओके अबाउट लेट्स हिट दिस राउट अबाउट और यहाँ पे हमारे पास अबाउट का पेज। ठीक है गाइस तो ये सिंपलिसिटी हो जाती है हमारे पास एक ही दफ़ा लेआउट बनाने से, हम सिर्फ अपना कंटेंट जो डिफरेंट होता है उसको हर पेज पे इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है हमेशा आप लोग ऐसे ही काम करेंगे। ओके यहाँ पे अगर कोई CSS होगी JavaScript होगी इस स्पेसिफिक पेज की कोई अलग से तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं अबाउट के पेज से सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे इम्प्लीमेंट करना है कॉन्टैक्ट का पेज जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी देख चुका हूँ, अगर आपकी नज़र पड़ी हो contact.html। तो मैं एक और फाइल बनाता हूँ फ्रंट एंड में न्यू फाइल, यहाँ पे सब कुछ पेस्ट करके मैं इसका नाम रख देता हूँ contact.play.php। ओके और इस बार मैं यहाँ से ये सब कुछ रिमूव करके और यहाँ पे माइनर सी चेंज करके कॉन्टेक्ट और यहाँ पे अब हम इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो मैं उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लोज करके क्लीन ब्लॉक को एक्सेस करते हैं, कॉन्टेक्ट का पेज राइट हेयर, इसको ओपन विद सबलाइन एंड फ्रॉम राइट हेयर, क्योंकि हर पेज की स्पेसिफिक इमेज है जैसे मैंने पहले ही कहा गाइस। ओके दैट्स इट, कॉपी क्लोज कंटेंट राइट हियर, दैट्स इट। ओके फॉर्म है ये, कमेंट्स आप रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं और यहाँ पे नाम ऑलरेडी है। ओके इसका राउट बना लेते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन राउट्स हैं गाइस, फिर से बताता चलूँ ये सारे व्यूज हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे थ्रू कंट्रोलर, दिस इज जस्ट फॉर दी कॉन्फ़िगरेशन पर्पसेस के हम लोग देख सकें कि हमारा पेज इंप्लीमेंटेड है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, दैट्स इट कॉन्टैक्ट। ओके ओके लेट्स हिट दिस पेज कॉन्टैक्ट,
ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के फोल्डर को हम लोगों ने जैसे कॉपी किया तो सारी इमेजेस भी हमारे पास आ गई हैं और पेजेस भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं। मीन्स मेरा मतलब यह है कि मास्टर लेआउट। उसके अलावा हमारे पास लास्ट पेज जो मौजूद है उसको हम देख लेते हैं, पोस्ट डॉट एच टी एम एल, इसको ओपन विथ सबलाइन कर लेते हैं और यहाँ पे यहाँ से मैं डाटा कॉपी करूँगा और मुझे यहाँ तक चाहिए है एग्जैक्ट। लेट्स कट इट। ये पोस्ट या ब्लॉग डिटेल का पेज है गाइस, एज सिंपल एज दैट। ओके एक और फाइल बनाऊंगा फ्रंट एंड के अंदर, न्यू फाइल जिसका नाम होगा लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पेस्ट अवर कोड और यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ किस नाम से, ब्लॉग अंडरस्कोर या माइनस भी यूज कर सकते हैं, ब्लॉग माइनस लेट्स से अंडरस्कोर डिटेल डॉट प्लेट डॉट पी एच पी, ब्लॉग डिटेल डॉट प्लेट डॉट पी एच पी, नाइस एंड शाइनिंग। ओके सेव। ओके अब यहाँ से मुझे लेआउट चाहिए तो मैं उसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए अबाउट के पेज से सब कुछ कॉपी करता हूँ, ब्लॉग डिटेल में पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी गाइज, मैंने पहले उसको जो लेआउट के जो सेक्शंस वगैरह हैं मैंने उनको कॉपी नहीं किया था। ठीक है यहाँ से वापस मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, लेट्स कट इट और इसको रिप्लेस कर देते हैं हम इस कॉन्टेंट्स, दैट्स इट। इसको जी नेम कर देते हैं यहाँ पे टॉप टाइटल में टू ब्लॉग डिटेल, लेट्स से ब्लॉग ब्लॉग डिटेल। ओके यहाँ पे जो भी हमारी ब्लॉगिंग का आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है यहाँ पे फिलहाल मैंने ब्लॉग रखा है और मैंने बताया कि ये पेज ब्लॉग डिटेल्स का है। ठीक है स्पेसिफाइड एक स्पेसिफिक ब्लॉग से रिलेटेड है तो इस वजह से सिंगुलर रखा है, ब्लॉग अंडरस्कोर सॉरी हमने राउट नहीं क्रिएट किया। लेट्स कॉपी दिस वन, कॉपी एंड पेस्ट इट राइट हियर एंड इस बार इसका नाम रखेंगे ब्लॉग डिटेल। ओके और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल, दैट्स इट। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इस राउट को हिट कर सकें, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ब्लॉग डिटेल और अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लॉग डिटेल का पेज भी कॉन्फिगर्ड है। तो हमारा लेआउट सक्सेसफुली बन गया, हमारे पास सारे पेजेस इंक्लूड हो गए हैं। अब मैं जस्ट इनको रीनेम करूँगा और इस वीडियो को रैप अप करूँगा। ओके सबसे पहले हमें अब इस मास्टर लेआउट की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्फिगरेशन पर्पज़ के लिए था, हम लोगों ने अपने सारे पेज कॉन्फिगर कर लिए हैं। मास्टर लेआउट का राउट हमने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि हम अपने मास्टर लेआउट को देख सकें, व्यू कर सकें, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो उसको सही कर सकें, दैट्स इट। ओके तो ये हमारे चार पेजेस होंगे। उसके अलावा अब मुझे जाना है लेआउट्स, फ्रंट एंड लेआउट्स टॉप पर और यहाँ पर मैं इसका नाम रखूँगा ब्लॉग और आगे की वीडियोज़ में हम लोग इसको ड्रॉप डाउन बना रहे होंगे। फॉर नाउ मेरे पास इंटरनेट नहीं है और क्योंकि अभी हम इस पर फिलहाल काम भी नहीं करेंगे, हम अपना काम बैकएंड से स्टार्ट करेंगे, तो फॉर नाउ मैं इसको जिस नाम चेंज करूँगा अबाउट और ये हमारे पास लिंक नहीं होगा, इसकी जगह हमारे पास लॉग इन लॉग आउट होगा लेकिन फिलहाल हम उसको नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है उसके लिए मैंने एक अलग सेक्शन रखा है जिस वीडियो में उसको टोटली कवर कर रहे होंगे, पेजेस की रीडायरेक्शन वगैरह वगैरह और उसके अलावा लॉग इन लॉग आउट। ओके सो फॉर नाउ ये चेंज था, माइनर था, लेट्स रिफ्रेश। ओके अब हर पेज के क्लिक के ऊपर हम लोग उस जगह पे जाने चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको मूव करना है मुझे, आपको पता ही होगा उस मेथड का नाम URL। URL में बताऊंगा इस पेज का लिंक जो कि मैंने यहाँ पे बताया है /blog/blog। ओके इसी तरीके से मैं इस मेथड को कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे भी और जस्ट नाम हम माइनर सा चेंज कर देंगे, जैसे कि अबाउट के लिए अबाउट कर आउट दिस वन और कॉन्टेक्ट के लिए कॉन्टेक्ट, दैट्स इट, नाइस एंड शाइनिंग। ओके लेट्स पहले रिफ्रेश के बगैर दिखा देता हूँ कि कोई रिडायरेक्शन नहीं थी, देख रहे हैं आप, रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हो गया, लेट्स हिट दीज राउट ब्लॉग, मेन पेज पे आ गए, अबाउट अबाउट के पेज पे,
कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के पेज पे। लास्ट राउट जो हमारे पास बचा है वो इसका है, ब्लॉक डिटेल्स। ये राउट नहीं है, कॉन्टेंट है। तो लेट से इसके लिए मैं मूव करता हूँ, ब्लॉक डिटेल्स को भी क्लोज करते हैं। मैं ब्लॉक के पेज पे जाऊँगा यहाँ पे, और लेट से अगर कोई ये लिंक हिट करता है यहाँ पे, तो उसको हम उस पर रीडायरेक्ट करेंगे। कौन से पेज पे गाइस? ब्लॉक अंडरस्कोर डिटेल। नाइस एंड सिंपल। लेट्स कॉपी दिस, क्योंकि मैंने दो दफा ये डिव बताई हुई है यहाँ पे, पेस्ट। तो अब हम अपने चारों पेजेस को एक्सेस कर सकेंगे। लेट्स सी, रिफ्रेश कर चुका हूँ मैं, लिंक पे क्लिक करता हूँ। नोप, ओह सॉरी, यहाँ पे राउट जो है वो ब्लॉक डिटेल है। दिखा देता हूँ आपको दिस वन। ओके, राउट ये है, तो URL में भी वही बताना पड़ेगा। मैंने गलती से पेज का नाम बता दिया। ओके ओके, एंड स्टिल नीड्स अ रिफ्रेश। कंट्रोल F5 ताकि कैशे रीलोड हो। लेट्स सी, और अब आप देख सकते हैं हम लोग अपने ब्लॉक की डिटेल पे आ गए। लेट्स रिव्यू दिस वंस अगेन। जब हम लोग अपनी वेबसाइट को एंटर करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली एक्सेस करेंगे, तो हमारा मेन पेज ये होगा, ठीक है। अबाउट में अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का पेज। ब्लॉग पे वंस अगेन जाता हूँ, और किसी भी लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे ब्लॉग डिटेल पे, लेट्स सी F5, ओप्स सॉरी, आई नो द मिस्टेक, यस, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं बताया, सॉरी गाइज, दिस वन, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो दफ़ा बताया था, इस वजह से मुझे उन दोनों को सही करना था। ओके गाइज, दो डिप्स थी जो रिपीट हो रही है, ये देखिए, फर्स्ट वन इज मैन मस्ट एक्सप्लोर एंड फेलियर। अब यही दो रिपीट हो रही है, इस वजह से हम ये इशू इनकाउंटर कर रहे थे। फर्स्ट वन नाइस एंड शाइनिंग, सेकेंड लिंक ओके परफेक्ट। सो ये गाइज हमारा फ्रंट एंड का लेआउट भी कॉन्फिगर हो गया, सारे पेजेस भी बन गए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इन सारे पेजेस की रीडायरेक्शन को करेक्ट कर रहे होंगे। रीडायरेक्शन को करेक्ट करने के बाद हम लोग अपने इस राउट के ऊपर हम अपने मेन ब्लॉक पेज को कॉल करेंगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल दिस वन। ओके, तो जब भी हम रूट का राउट हिट कर रहे होंगे, तो हम लोग इस पेज को हिट कर रहे होंगे। ओके, तो ये काम है नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड यस, बी रेडी। ओके, थैंक यू।